अख्तर लावा, मैं इसकी हड्डियां हड्डियां तोड़ दूंगा। अख्तर लावा खारिश करना है, खारिश हो रही थोड़ी सी। क्यों जनरेटर नहीं चल रहा है यार? लॉर्ड द पावर अख्तर लावा को बुलाओ, क्योंकि उसको देख के दुनिया तो हो गई है हैरान कि क्या चीज आ गई हमारे मुल्क में। और दूसरी ये दोनों लोगों को कैसे लग रहे हैं, आए मेरे साथ। टैलेंट है? टैलेंट तो नहीं है यार, ये गलत है। जब वो आई थी मेरा दिल ये पुकारे आजा, जब फ्लैट स्क्रीन थी। अगर अभी आप उसको देख रहे हैं ना तो फैक्ट्रीज बन चुकी हैं। फैक्ट्रीज बन चुकी हैं? ये कहाँ पे बनी है? दिल्ली ये पुकारे आजा। वायरल होने के बाद फैक्ट्रीज बन चुकी है, मतलब अमीर हो गई है। चलाओ, चलाक हो गई है। चलाक नहीं हो गई है, दिमाग चलाओ। कोई कह रहा है कि शोएब अख्तर की साली है? नहीं नहीं, शोएब अख्तर की साली ऐसी कहाँ, गटर की नाली है ये तो। अगर वो आपको प्रपोज करती है कि क्या मुझसे शादी करेंगे? मेरी एंगेजमेंट हुई हुई है। क्या एंगेजमेंट? मेरी मंगनी हुई हुई है। मुझे इंग्लिश आती है, ABCD पूरी आती है, ABCD NOPNOP XYZ। इसने कितना कमाया है? 3 दिन में 2 करोड़। अच्छा ये वायरल करने वाला हम आप ही है ना? हम और आप। बच्चे भी हैं? नहीं बच्चे नहीं है, सैलाब आया हुआ था, सैलाब के चक्कर में मैं गया ही नहीं। ये पागल है सारे, देखने वाले पागल है, मुझे तो पागल बोलते हैं, असल पागल ये लोग हैं। तो मिलते तो होंगे ना उससे? मैं गांव गया ही नहीं हूँ ना, जब से मैं कराची में पैदा यही हूँ कराची में। तो बच्चे नहीं हुए? 2 करोड़ रुपए किस चीज के मिले? बेहाई के मिले से। आगे खलल पैदा किया है, मैं आंटियां बच्चियां बसा लूं, इंटरव्यू दूं, क्या करूं? सर मेरा सवाल ये है कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे? बच्चे तो मासूम होते हैं। बच्चे तो आ जाएंगे ना, जब मैं जाऊंगा तो बच्चे आ जाएंगे ना, मैं नहीं जा रहा ना। आप बच्चे ऐसे लेके जाएंगे? हाँ। मैं भी ऐसा एक डांस करता है, मेरे को भी 3 करोड़ कौन देगा? आपकी अभी शादी होनी है। हाँ। और आपके बच्चे आपकी बेगम से भी निकलने हैं अंदर से, और वो बच्चे आप कह रहे हो कि आपके घर पे पड़े हैं पहले से। नहीं, अफसोस हो रहा है या लड़की में प्यार आ रहा है, क्या है यार? प्यार तो आ रहा है। बच्चे अभी मैं पैदा करूंगा, ये भी बात बोल रहा हूँ आपको। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं हो रहे ना। मैं तो ये आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि मावा का उससे खून बनता है, खून साफ होता है और इससे ताकत बढ़ता है। अच्छा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो साइंस ने पता लगाया है ना कि इंसान की जहनियत और इंसान जिंदगी में कितना आगे बढ़े, वो पता चलता है उसकी नाफ से। क्या मैं आपकी नाफ देख सकता हूँ? नहीं, क्योंकि कब्र पे तो जाना है सबको, हर बंदे का एक वक्त मुकर्रर है, जब भी जाना है तो जाओगे, तो लाजमी बात है मावे से तोड़ी जाओगे। ये क्या कर रहा है, इसको जिन चढ़ गया है क्या? लाहौर दा पावा अख्तर लावा, ये वो कीड़ा है। अब क्या करोगे इस कीड़े का? फिर लोग मुझे घर वाले बोलते हैं पागल हूँ। अब मैं उंगली अंदर लेके जा रहा हूँ, तकलीफ हो तो बताना, सही है? तारो और फेंक दो। हैं? नहीं दूंगा। अरे मेरा भाई, क्या नाम आपका? सलमान। सलमान भाई का नाम क्या है? हनी बालो सासुलालो। ओए फेंक दे भाई। इतने बड़े लोग ऐसा काम नहीं करते, इसको शर्म आना चाहिए। अभी मैंने आपकी नाफ चेक करी है, बिल्कुल सही है। आपको कैसे लगा सही है? क्योंकि देखो नाफ के अंदर जब आप उंगली डाल के जब आप राइट पे घुमाते हैं ना, तो अगर जोर ना आए, जब पेट में दर्द होता है तो फिर मैं घुमाता हूँ। अभी मैंने पूरी आधी उंगली डाली है आपके अंदर। मैं 5 उंगलियां करता हूँ, ये घुमाता हूँ। आप 5 उंगलियां अंदर डालते हैं? नहीं, नाफ में। हाँ नाफ में डालते हैं, वही नाफ की बात हो रही। जैसे लोग कहते हैं ना अंग्रेज के सेब का ये का वो का, मैं कहता हूँ कि सबसे सुबह उठ के मावा खाओ पहले, ये उससे सेहत बने आपका। ये कहने पे आपने जो अपनी घड़ी फेंकी है ना, अब आप ये वाली घड़ी पहने, स्विस्टन की वॉच है ये, चली जाती है 5। पेट में दर्द होता है तब जाती, तब करता हूँ मैं। पेट पे जाके लगती हैं 5ों? हाँ दर्द होता है, लेकिन मुश्किल है वैसे, 2 लेना भी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि ये नॉलेज है। अगर मैं बोलता हूँ आपके पास कोई है ना ऐसी बात, तो आप अपने छोटों में यार शेयर करो। आजकल के दौर में ब्रांडेड वॉच लेना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन अब स्विस्टन की वॉच आ गई है पॉच में, क्योंकि साल के एंड की सेल लग गई है 12-12 की, 79% ऑफ। 79% ऑफ, 79 ब्रो। चंद दिन रह गए, फायदा उठा लो, क्योंकि 25 तारीख को सेल हो जाएगी एंड। तो स्विस्टन की वेबसाइट खोलो और शॉपिंग करो, क्योंकि आपका भाई भी वही पहनता है। मामला सेट है? ओके, सब ऑल सेट है, सब ओके। बेगम इंतजार कर रही होगी? हाँ बस वो अभी जाना पड़ेगा, बस अभी छुट्टियाँ नहीं दे रहे। ऐसा हुआ है कि घर वाले नफसियाती अस्पताल में आपको डलवा रहे हो? एक दफा लेके गए थे,
लेके गए थे? जी अस्पताल लेके गए थे, सुबह छोड़ा था उन्होंने तकरीबन 9:30 बजे। डॉक्टर ने क्या कहा देख के? 12:30 बजे डॉक्टर ने कहा तुम घर निकल जाओ वापसी, क्योंकि हनी बालो सास से ला लो। इतने लोग कड़े क्यों कड़े आपके खिलाफ कड़े क्यों बोलते हैं, इसे क्यों वीडियो बना? आपका दिल करता है इसको मार दूं? नहीं नहीं इतने जुल्म नहीं करना है, यही वक्त है, बस यही वक्त है, बस यही वक्त है, यही वक्त है। बेगम बुला रही है, बेगम बुला रही है, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, मेरा भाई करेगा, मेरा भाई करेगा, मैं जो ना कर सका मेरा भाई करेगा। मेरा भाई क्यों करेगा, वो तो भाभी है ना उनकी। मैं बेसिकली खुद सिंगिंग करता हूँ, गाने गाता हूँ, शोज करता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है, मैं शोज करता हूँ, प्रॉपर शोज करता हूँ, मैं बैंड के साथ परफॉर्म करने वाला शख्स हूँ। क्या सुनेंगे आप ये बताएं? सर जो आपको बेहतर लगता है आप वो सुनाएं। खरी खरी सुनाऊं आपको? ये उनके लिए, हमारी भाभी के लिए, दोनों पहनना शादी में, और शादी की जब फोटोग्राफी होगी तो आपने क्या कहना है? मतलब कोई भी लड़की अगर डिफेंस वगैरह की आपको अपने पास रखना चाहती है तो आप दोनों रहोगे? हम दोनों उसके साथ जिंदगी में रहेगा, हमारा वैसे भी घर पे इज्जत नहीं है। अम्मी जगह मैं क्या लेके आया, अब लेके भाग जाऊंगा मैं।